नमस्कार दोस्तों, आज 20 अगस्त 2022 की शाम का 4:30 बजे के आसपास का समय है और हम ग्वालियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हुए हैं। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ताज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही है। झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली क्षेत्र में रहने वाला ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने रेलवे की इस प्रतिष्ठित ट्रेन के बारे में नहीं सुना होगा। पर दोस्तों, इसी ट्रेन के बारे में आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भले ही ये प्रश्न आपको बेवकूफाना जैसा लगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। और दोस्तों, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? मुझे मालूम है कि यह प्रश्न सुनकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे और तुरंत ही जवाब देंगे कि सब तुम्हें नहीं पता कि ये ट्रेन नई दिल्ली और झांसी के बीच में चलती है। हाँ भाई, हाँ, मुझे भी पता है कि ये ट्रेन अब फ़िलहाल नई दिल्ली और झांसी के बीच में चलती है। मैं तो इतना भी जानता हूँ कि ये ट्रेन 1964 में इंट्रोड्यूस की गई थी और पहले इसे टूरिस्टों के लिए नई दिल्ली से आगरा के बीच में चलाया गया था। 1979 में इसको ग्वालियर तक बढ़ा दिया गया और 2006 से ये दिल्ली और झांसी के बीच में अपनी सेवाएँ दे रही है। ट्रेन का डेस्टिनेशन बोर्ड भी यही कहता है कि ये ट्रेन अब दिल्ली और झांसी के बीच में चल रही है। साधारण आदमी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ताज एक्सप्रेस अब दिल्ली और झांसी के बीच में चल रही है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब ये सब कुछ पता ही है तो फिर झमेला किस बात का है। मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप इस अनाउंसमेंट को सुनिए जो 2006 के बाद से लगातार ट्रेन के दिल्ली जाते समय शाम को पूरे रेलवे स्टेशन में गूंजता रहता है और सभी इसके बारे में बहरे बने हुए हैं। ग्वालियर जंक्शन टू न्यू दिल्ली वाया आगरा कैंट मथुरा जंक्शन के जरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1227 ताज एक्सप्रेस ग्वालियर जंक्शन से चलकर आगरा कैंट मथुरा जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। तो दोस्तों, सुना आपने, 16 साल से कोई ट्रेन ग्वालियर की बजाय झांसी से अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन अनाउंसमेंट अभी भी यही कायम है कि ये ट्रेन ग्वालियर से नई दिल्ली के बीच में चल रही है। 16 साल की इस अवधि में लाखों यात्रियों ने, रेलवे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस अनाउंसमेंट को सुना होगा, लेकिन इसमें सुधार करवाने की प्रक्रिया अभी तक किसी ने भी शुरू नहीं करवाई है। या तो सभी बहरे हैं जो उन्हें ये अनाउंसमेंट नहीं सुनाई देता, या ये सिस्टम की लापरवाही का नमूना है। विश्वास ना हो तो आप इस अनाउंसमेंट को एक बार फिर सुनिए। ट्रेन नंबर 1227 ताज एक्सप्रेस फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन टू न्यू दिल्ली वाया आगरा कैंट मथुरा जंक्शन के जरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1227 ताज एक्सप्रेस ग्वालियर जंक्शन से चलकर आगरा कैंट मथुरा जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। ये लोगों में जागरूकता का अभाव है या प्रशासनिक लापरवाही का नमूना है? दोस्तों, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वो तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग ऐसे अनाउंसमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी खुद की बुद्धि से निर्णय ले लिया करते हैं, लेकिन अगर वो इन अनाउंसमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देकर अपनी कार्यप्रणाली तय करें तो आगे कैसी कैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्या हम स्थानीय रेलवे प्रशासन से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस गलती को जल्दी से सुधारेगा और हम ग्वालियर वासियों के उन जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करेगा? जब इस अनाउंसमेंट को सुनते ही हमें याद आता है कि हाँ, एक वो समय था जब ये ट्रेन दिल्ली से ग्वालियर के बीच में चलती थी, लेकिन अफसोस, अब ये ट्रेन दिल्ली से झांसी के बीच में अपनी सेवाएँ देती है। जब ये ट्रेन दिल्ली से ग्वालियर के बीच में अपनी सेवाएं देती थी तो इसकी सेवाओं का कितना श्रेष्ठ स्तर था और ये प्राइड ऑफ रेलवे बनी हुई थी। झांसी तक विस्तारित किए जाने के बाद किस तरह से इसकी सेवाएं चरमरा गईं और इसकी क्या दुर्दशा हो गई, इसे देखकर हम सभी रेल प्रेमियों को हार्दिक दुख होता है।
दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो लेकर जल्दी ही हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।